बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किए हुए पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होंगी और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया था कि आपने सैन फाउंड्री एग्जाम रीता एग्जाम रेट और इस तरह की वेबसाइट्स पर जाके अपने लिए आपने जो स्टडी की है उसके एमसीक्यूज आपने वहाँ से प्रैक्टिस करने, इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलते हैं आज के इस कोर्स की तरफ। तो आज के इस कोर्स यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में आपने कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, तो सबसे पहले तो आपने एरे को देखना है। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ इनका आपने कंसेप्ट क्लियर करना है और फिर आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू स्पेस होगा, तो आपको जस्ट इसका इतना आइडिया होना चाहिए कि इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसके असाइनमेंट्स वगैरह कैसे होती हैं। तो ये इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और कुछ बेसिक ऑपरेशंस एरे के ऊपर जो परफॉर्म किए जाते हैं वो आपने देखने हैं। और इसके बाद इसी तरह से स्टैक, लिंक लिस्ट और इसकी फर्दर टाइप्स हैं सिंगली लिंक लिस्ट और इसी तरह से डबली सर्कुलर और फिर आता है क्यू, और क्यू में आपने डबल एंडेड क्यू यानी कि डी क्यू को भी देखना है। फिर इसके बाद आते हैं बाइनरी ट्री, जिसमें आपने बाइनरी ट्री ऑपरेशंस और इसके प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को भी देखना है। और इसी तरह बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होने चाहिए बेसिक लेवल की। और इसी तरह बाइनरी सर्च ट्री, आपने मेक श्योर कर लें कि बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद बाइनरी ट्री बैलेंस बाइनरी ट्री एक उसकी एक फर्दर टाइप है। और इसी तरह से एवीएल ट्री, फिर आपने देखना है हीप हैशिंग ग्राफ एंड मैट्रिक्स को। और फिर अगर बात करें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की, तो इसके लिए आपने कंसेप्ट ऑफ लीनियर सर्च बाइनरी सर्च और कंसेप्ट ऑफ बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट ये आपने लाजमन देखनी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे बुनियादी हैं जो आपने लाजमन प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आते हैं एल्गोरिथम की तरफ। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन में ग्रीडी अप्रोच, डाइजेस्टर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन इन एलायंस ऑफ डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम, क्रूस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम जो कि मिनिमल कॉस्ट स्पैनोक्सी के लिए यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।